एक तरफ गाजा में हमास और इसराइल के बीच तीखी जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्यस्थों के जरिए बातचीत का दौर भी लगातार चल रहा है। युद्ध के मैदान की ही तरह बातचीत के टेबल पर भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल हमास ने पिछले हफ्ते दोहा में पेश किए गए गाजा के लिए नए सीज फायर प्रस्ताव का विरोध जताया है। साथ ही समूह ने इसे मानने से भी साफ इनकार किया है। हमास का कहना है कि ये सीज फायर नेतन्याहू की शर्तों को पूरा करता है। हमास ने एक बयान जारी कर कहा कि समूह ने कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ मिलकर पूरी जिम्मेदारी से काम किया है, चाहे वह गाजा में इजरायली हमलों को रोकने से जुड़ा प्रस्ताव हो या फिर बंदी समझौता। ये सब हमारे लोगों के खून को बचाने और इसराइल का फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे नरसंहार को खत्म करने के लिए किया। समूह मई में मध्यस्थों की योजना का पूरा समर्थन करता है। हमास ने इस युद्ध को रोकने के लिए उतरे मध्यस्थ देशों से मई वाले प्रस्ताव को लागू करने की बात कही। समूह ने कहा कि नेतन्याहू इजरायली हमलों को लंबा खींचने और खुद को ज्यादा समय तक सत्ता में बने रखना चाहते हैं। दोहा में हालिया दौर की वार्ता में क्या हुआ इसके बारे में मध्यस्थों को सुनने के बाद ये एक बार फिर हमारे लिए साफ हो गया कि नेतन्याहू अभी भी एक समझौते पर पहुंचने के रास्ते में बाधाएं डाल रहे हैं। मध्यस्थों को विफल करने के मकसद से नई शर्तें और मांगे थोप रहे हैं। यहाँ ये अहम है कि हमास ने बाइडन के प्रस्ताव को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। मध्यस्थों से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और समझौते को लागू करने के लिए इसराइल को बाध्य करने का आह्वान किया। इस दौरान हमास ने इसराइल पर कई तरह के आरोप भी लगाए। गाजा के हमास समूह ने आगे कहा कि कैसे नया प्रस्ताव नेतन्याहू की शर्तों से मेल खाता है, खास तौर से स्थायी युद्ध विराम से इनकार, गाजा से पूर्ण वापसी, नेटजारिम एक्सिस, राफा क्रॉसिंग पर कब्जा जारी रखने की उनकी मंशा है। नेतन्याहू ने कैदियों की अदला बदली के लिए नई शर्त तय की है। अन्य प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए जिससे अदला बदली सौदा पूरा नहीं हो सका। प्रतिरोध ने नेतन्याहू को मध्यस्थों के प्रयासों की विफलता, एक समझौते पर पहुंचने में बाधा और अपने बंदियों के जीवन के लिए पूरी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दोहा में शांति समझौते के लिए आयोजित वार्ता के दौरान अमेरिका ने उम्मीद जताई थी कि सीज फायर समझौता हो सकता है। हालांकि हमास ने सीज फायर समझौते की कोशिशों को दिखावा बताया था। हमास गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी की मांग कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध की शुरुआत के बाद से नौवीं बार इसराइल दौरे पर हैं, जहां वह सरकार पर समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बता दें कि नेतन्याहू सरकार पर इसराइल के लोग भी अब सीज फायर का जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। इसराइल में बड़े स्तर पर प्रदर्शन इस बात की गवाही है कि अब इजरायली जनता युद्ध से त्रस्त हो चुकी है। साथ ही 100 से ज्यादा इजरायली बंदी अभी भी हमास के चंगुल में फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए सीज फायर ही बड़ा कारगर और एकमात्र उपाय बचता दिखता है।